it's not only to learn about Primavera P6. It is planning engineer job career. ठीक है? What does मैं इसको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? Because if you talk about Primavera P6 is only a software. We are not here only to learn this thing. We are going to learn planning engineer job career. इसके अंदर मजीद आपके different skill sets आते हैं. थोड़ा सा मैं आपका माइंड सेट चेंज करूंगा. अभी आज के सेशन के अंदर एक पार्टिसिपेंट ने शुरू में बताया कि शुरू में हम सोचते थे कि प्राइमवेरा P6 या ये जो प्लानिंग इंजीनियरिंग है ये सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं माइंड सेट आप लोगों का चेंज करने जा रहा हूँ. प्लानिंग इंजीनियर जॉब कैरियर के अंदर आप डिफरेंट तरह के स्किल्स पढ़ते हो, जैसे कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. मैंने डेमो सेशन के अंदर डिटेल के अंदर ये चीजें बताई हैं, तो आपने एक दफा डेमो सेशन को भी कल के सेशन से पहले रिवाइज करना है. हियर आई एम गोइंग टू ओनली हाईलाइट टू मॉडिफाई योर माइंडसेट कि एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपने सोचना कैसे स्टार्ट करना है. इट्स नॉट ओनली प्राइमवेरा P6, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का हमें कॉन्सेप्ट होने चाहिए जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं. इधर दैट प्रोजेक्ट इज अबाउट बिल्डिंग. बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं आज के इस सेशन के अंदर, केमिकल इंजीनियर्स भी हैं. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? इधर यू आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री, प्लांट, बिल्डिंग, रोड, पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस सेक्टर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, MEP प्रोजेक्ट, एनी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, वो आपकी प्रोडक्ट है. लाइफ साइकिल उसकी क्या स्टेजेस हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए एक इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक कितनी स्टेजेस, सो दैट वुड बी कॉल्ड लाइफ साइकिल स्टेजेस. ठीक है, एंड तक कैसे पहुंचना है ये समझ आ गई. स्किल सेट बता रहा हूँ प्लानिंग इंजीनियर जो आप इस सेशन में आप सीखेंगे. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर लर्निंग व्हाट इज मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का मुझे चैट बॉक्स में सब लोग बताइएगा. डेमो सेशन अगर किसी ने लिया है तो मैनेजमेंट से क्या मुराद होती है, व्हाट डज मीन बाय मैनेजमेंट. प्लीज चैट बॉक्स में मुझे 1 by 1 अगर आपको आइडिया है तो लिख दें, अगर नहीं तो नो लिख दें. आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग लिखें चैट बॉक्स में, थोड़ी सी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगी. मैनेजमेंट का नहीं पता, मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट. डेमो सेशन लीजिएगा, उसमें डिटेल में मैंने बताई ये चीजें. ठीक है, ये मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फिर ये लाइफ साइकिल स्टेजेस को किस तरीके से आपने कंपाइल करना है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल विच इज प्राइमवेरा P6. ठीक है, प्राइमवेरा P6. अब ऑब्वियसली इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए अभी जस्ट एक ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे. डाटा प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रिपेयर होगा इससे, डाटा, एंड दैट डाटा विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्राइमवेरा P6. यू गॉट इट. एंड नंबर 4, व्हाट इज नंबर 4? वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट डाटा इन प्राइमवेरा P6 एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जैसे मैंने डेमो सेशन में भी बताया, एक दफा फिर बता देता हूँ. जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट चलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. जब भी हमारा प्रोजेक्ट होगा लाइक बिल्डिंग का, रोड का, अगेन वही वो चीजें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई हैं, किसी भी चीज का, तो उसमें 3 तरह की पार्टीज होती हैं, क्लाइंट, कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर, 3C. इन पार्टीज को आपस में किस तरीके से आगे लेके चलना है. There are project documents, there are project conditions, there are term and conditions which are written in this document. When our project is going to start, when our project is going to complete, when our payment methods process, explain kiya hoga, work done, quality check, everything is in a contract and agreement. Now say again with me, what you are going to learn and what are the basic role of a project planning engineer. He must have good knowledge of management concepts. What does mean by management concepts? Time का पता होगा उसको, cost का, resources का, project की different stages का data बना के आपने प्राइमवेरा P6 के अंदर contract के मुताबिक load करना है. And you have to produce what you need to produce. हर काम का एक output होता है ना. हम अगर obviously गोश्त लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, तो output क्या है, बिरयानी. तो मैंने ये सारे ingredients आपको बता दिए हैं. ठीक है, ये जॉब कैरियर के अंदर हम जो समझेंगे चीजें, तो हमारी आउटपुट क्या होगी. ये ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं कि बुक पढ़ने से पहले आपको पता होगा इस बुक के अंदर हमने एक स्टोरी की शक्ल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं. ये माइंड मैपिंग मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने भी साथ साथ ड्रॉ करनी है। दैट इज फंटास्टिक। एंड पे आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, दैट विल बी योर फर्स्ट असाइनमेंट। साथ साथ इसको फिल करते जाएं, लेक्चर के बाद एक दफा फिर करेंगे, इट विल हेल्प यू फॉर एवरी माय सेशन। दिस इज द गारंटी, द गाय हु इज डूइंग दिस माइंड मैपिंग इज गोइंग टू विन जॉब इंटरव्यू फॉर प्लानिंग इंजीनियर्स। सो इसकी आउटपुट पे बात हो रही थी। आउटपुट क्या है? हम ये सारे काम करने के बाद क्लाइंट को खुश करते हैं, अपनी जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, यू हैव मल्टीपल, अरामको क्लाइंट, एडनॉक क्लाइंट, कतर पेट्रोलियम क्लाइंट, OGDCL इज क्लाइंट, शेल क्लाइंट, because we are going to talk about real construction and oil and gas projects planning and control. So output क्या है? They need us के हमें project, हम दोस्तों को क्या पूछते हैं? पूछते हैं यार कल का क्या प्रोग्राम है, पूछते हैं ना। तो क्लाइंट एंड क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड कंट्रैक्टर शुड हैव अ म्यूचुअल प्रोग्राम। वो भी पूछते हैं भाई क्या प्रोग्राम है, कल साइट पे क्या काम होगा, अगले हफ्ते में कौन कौन से काम चलेंगे। ये बड़ी ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वी विल प्रोड्यूस अ प्रोजेक्ट शेड्यूल इन विच एवरी सिंगल टास्क इज शेड्यूल्ड, कि कौन सा काम कब होगा, कितने डेट को होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूल विद अ लॉजिकल नेटवर्क, प्रोजेक्ट शेड्यूल डॉक्यूमेंट। देन CPM, अभी आपको नहीं पता होगा CPM क्या, क्रिटिकल पाथ मेथड। जस्ट मेक राइटिंग ऑन योर दिस माइंड मैपिंग डायग्राम CPM, okay, when we will talk about it we will go into the details। ये एक methodology है टाइम मैनेजमेंट के लिए। रिसोर्स प्लान, ठीक है, कॉस्ट प्लान, वही मैनेजमेंट की जो चीजें मैंने बताई थी, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर आपके प्रोग्रेस मेजरमेंट मैथड्स। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स। क्या करने जा रहे हैं ये हमने डॉक्यूमेंट। अब इसमें एक और भी चीज है, ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट मोर टेक्निकल, वी आर गोइंग टू मेक एस कर्व्स। व्हाट डज मीन बाय एस कर्व्स? कैश फ्लोज, यानी कि आपने सुना होगा इस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या है। जिस तरीके से हम क्रिकेट में देखते हैं ना, एक टीम खेल रही है, ये देखें, अब मुझे नहीं पता आज PSL का क्या रन चल रहा है, बट यस इफ यू वॉच क्रिकेट एंथुसियास्टिकली सो यू रिमेम्बर दिस के दो टीमें खेल रही होती हैं। तो ये क्रिकेट के अंदर ये आपकी टीम का परफॉर्मेंस होता है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो सेम ग्राफ विल बी कॉल्ड एज कैश फ्लो या एस कर्व। ठीक है, समझ आ रही बात की? ये भी हमारी आउटपुट होती है इन स्किल सेट को अप्लाई करने के बाद, एस कर्व्स। ठीक है, रिसोर्स प्लान, कॉस्ट प्लान, CPM, ये हमारी आउटपुट है प्लानिंग फेज के एंड पे फ्रॉम प्लानिंग इंजीनियर। सो इसके बाद ये तीनों पार्टीज मुतफिका तौर पे म्यूचुअली एग्री अपॉन दिस डॉक्यूमेंट एंड दे विल अप्रूव इट, दे विल साइन इट। अगर तो ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया जाता, फॉर एग्जाम्पल कोई मसला है, क्लाइंट बोलता है नहीं आई नीड टू चेंज समथिंग, नो प्रॉब्लम, इट विल गो इनटू द रिव्यू। रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा सबमिट करवाया जाता है, और फिर जब सबमिशन के बाद साइन हो जाते हैं, अप्रूवल मिल जाता है, एट दैट मोमेंट इट वुड बी कॉल्ड अप्रूव्ड बेसलाइन। क्या कहलाई जाएगी? अप्रूव्ड बेसलाइन। इससे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये समझ लें बेस लाइन, ये आई है। ठीक है, अप्रूव्ड बेसलाइन। अब यहां पे जो पॉइंट मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, आप खुद सोचें, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, आप चैट बॉक्स में सब लोग अपनी इंजीनियरिंग लिखें। 1 मिनट दे रहा हूं, सब लोग अपनी इंजीनियरिंग लिखें। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर करना है विच विल चेंज योर माइंडसेट। एस कर्व को एक्सप्लेन करेंगे जब टॉपिक आएगा, डोंट वरी। अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टोरी। किसी भी एक पॉइंट पे स्टिक नहीं होना। अब सब लोग अपनी इंजीनियरिंग लिखें, इससे पहले कि कोई और बात हो। एस कर्व तो भी बहुत, एस कर्व से पहले आपको बहुत बड़े सफर तय करने हैं। ठीक है, कैश फ्लो है बेसिकली, क्या आपने किस महीने में कितने पैसे स्पेंड करने हैं, उसका एक हिसाब किताब होता है। जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर एक टीम खेलती है, तो उसने कितने ओवर में कितने रन बनाए, यहाँ पे कितने टाइम में कितने पैसे खाए, ये वाला हिसाब है। तो यहाँ पे जी मैं एक दफा पढ़ लूँ, हमारे पास सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स हैं, क्वान्टिटी सर्वेयर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल हैं। ठीक है, देखो कितने इंजीनियर्स हैं। अब मुझे सब लोग बताएं कि ये सब चीजों में कौन सी चीज डिफरेंट, ये चार चीजें मैंने बताई हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, हाउ कैन यू जस्टिफाई टू योरसेल्फ कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं भी प्लानिंग इंजीनियर बन सकता हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं भी बन सकता हूं, सर भी बोल रहे हैं, जमाना भी बोल रहा है, बट यू हैव टू जस्टिफाई टू योरसेल्फ कि कैसे सिविल के काम डिफरेंट होते हैं, मैकेनिकल के डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट है, इनमें से कौन सा एक पॉइंट है जो थोड़ा सा डिफर करता है, बाकी सब सेम है। इन चार पॉइंट में से कौन सा एक पॉइंट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है हर इंजीनियर के लिए, बाकी सेम है सब। कैन यू प्लीज? नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है पेशावर से, और एज ए साइट इंजीनियर अभी तक काम कर रहा हूँ। और हमारा एक दोस्त है, उसने हमें जो है ना कहा था कि प्रेम वगैरह जो है ना अपनी सॉफ्ट स्किल जो है ना वगैरह इम्प्रूव करो, इस वजह से प्रेम वगैरह स्टार्ट किए। चलें, गुड लक नवाज खान। एंड नेक्स्ट प्लीज साकिब, आप हो गए हैं? साकिब, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, इंट्रोडक्शन मैंने किया है थोड़ी देर पहले। जी साकिब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी सर, मेरा नाम जी जी साकिब, मेरा नाम सर। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन की है और उसके बाद 2016 में इधर गल्फ में आया हूँ, यूएई में। तो तकरीबन 8-9 ईयर्स मेरे इधर हो गए एज ए साइट इंजीनियर। तो मैं ये पीएमपी भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त जिन लोगों ने 2016-17 मुझसे जूनियर है, उन लोगों ने वगैरह करके अभी बहुत अच्छी कंपनी में सब्जी वो लोग गए हैं। यानी कि जो मेरी अगर इधर सैलरी 5000 है, तो उन लोगों का मुझसे डबल ट्रिपल समझो इस तरह तो आगे चले गए हैं। क्योंकि आजकल प्लानिंग इंजीनियर आजकल बहुत कम लोग मेहनत कर रहे हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है इस चीज की। वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा नेम है हसन रज़ा, बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ और 2016 के अंदर ग्रेजुएट हुआ था। देन मूव टू इस्लामाबाद फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड देयर आई कंप्लीटेड माय एमफिल इन एशियन स्टडीज फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट मूव टू सऊदी अरेबिया। नाउ राइट नाउ वर्किंग ऑन द Red Sea International Airport, which is located in the near Neom, as a landscape architect. Okay. So you are the guy who was coming up to our team. कि जी मैंने बाकी लोगों को भी देखा है, so please share अगर क्या आप जी क्या share करें आपके पास। यार मेरा मुझे नहीं पता, मैं डेमो क्लास लिया तो मैंने डेमो क्लास रास्ते में छोड़ दिया, यानी कि पौने घंटे की थी और 20-25 मिनट के बाद मैंने उसको कह दिया, क्योंकि उससे पहले मैंने आपका एक सेशन देखा था जो आपने वीडियो लिंक भेजा था। आई थिंक वो 1 घंटा और 8 मिनट का था, समथिंग इतना था। तो उसके अंदर आपने जो कैरियर की थी ना, मार्केट की एक इम्पोर्टेंस थी, उसको आपने जो है ना काफी चीजें क्लियर की थी। एंड दैट गाय डायरेक्टली वेंट टू सॉफ्टवेयर। असल में बात पता क्या रजा साहब के, यही चीज मैं खैर लेटर पार्ट में अपना जो अभी होगा उसमें मैं डिस्कस करता हूँ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ऐसे ही होता है कि जब मैंने भी अपना जॉब कैरियर स्टार्ट किया था, वी वर लाइक फ्रॉम वेरी रफ एंड टफ एनवायरनमेंट, नथिंग वाज रेडीमेडली अवेलेबल इन द प्लेट। तो चीजें खुद से बनानी पड़ी। इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम यूएई, तो यूएई के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड व्हेन यू आर इंजीनियर एंड यू आर स्टार्टिंग एज अ टेक्नीशियन जॉब कैरियर लेवल, यू गॉट माय पॉइंट, फिर दिल में थोड़ा सा दर्द भी होता है। वो जो दर्द सिखाता है ना आपको चीजें, वो आपको मजबूर कर देता है कि भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो यूईटी से ग्रेजुएट हूँ। सो वही चीजें फिर मैंने सोचा कि जो कि शुरू में हाथ लगे हुए हैं जॉब हंटिंग के मतलब, जीसीसी में जाके नौकरी तलाश करना कोई नॉट आसान काम। तो वो चीजें मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक सेशन के अंदर हेल्प आउट करूं, क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी है कि अगर आप कोई भी मटेरियल है बेचने के लिए मार्केट में लेके जाना है, वो घर में रख दोगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे, आज के दौर में तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी जॉब हंटिंग के हवाले, ये वही पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप स्किल सीखते हो तो वो आपका मटेरियल है, उसको आपने लोगों को दिखाना है, शोर डालना है, लिंक्डइन पे, जॉब हंटिंग, जॉब ऑनलाइन पोर्टल। सो आई थिंक कि 50% आपको प्लानिंग सीखनी है, मेरे साथ वो होगी 100% ही, बट 50% आई विल बी हेल्पिंग यू पीपल के भाई अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करना है। एक बहुत बड़ा क्राउड है इंजीनियर्स का, जहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स भी हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेश। आई एम टॉकिंग अबाउट गल्फ रीजन। आई वॉन्ट एवरीबडी के जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अच्छी पोजीशंस पे चले जाएं, और जो पाकिस्तान में है वो भी गल्फ में चले जाएं, बिकॉज सैलरी मार्जिन बहुत डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़ा फर्क नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, हैदर अली हियर। जी हां जी सर। सर, आई डिड माय बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग बैक इन 2022 एंड उसके बाद से लेके अब तक मेरे पास सिर्फ एक पीसी की इंटर्नशिप है और एक तरह से जॉबलेस हूँ मैं। तो मेरे कज़न हैं सऊदी अरेबिया में, उन्होंने कहा कि आप प्राइमेवेरा P6 सीखें क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मेरे सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, ये सॉफ्टवेयर वगैरह मुझे समझ नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी इन स्किल्स पे तवज्जो दूँ ताकि जो मार्केट में मैं इन हो सकूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट हैदर अली, एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से सीखें चीज़ों को, एंड यू नेवर फील के सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल होते हैं। सो नेक्स्ट प्लीज अली असलान, एनीबडी प्लीज क्विकली। वालेकुम, my name is Abdul Salam, I am from Hyderabad. Recently I have completed graduation in petroleum and natural gas. Last time in October 2023 I working in Descon like प्लानिंग असिस्टेंट। तो सर उधर मुझे माशाल्लाह मैंने देखा कि प्लानिंग प्राइमरी P6 का बहुत यूज़ हो रहा था, तो उन्होंने सीनियर्स जो भी थे उन्होंने यही हमें सजेशन दी कि आप जो स्किल है आप ये स्किल प्राइमरी P6 का ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने और देखा जिसका भी P6 उधर कोर्स हुआ था माशाल्लाह वो अच्छी पोजीशन पे ही थे, तो हम उधर से इंकरेज हुए हैं। Okay, that's wonderful, Abdul Salam, and wish you all the best. Next, please, Aslan Ali, आप अपना mic open करें and please start telling me about yourself. इसके अलावा कोई बंदा अली असलान से पहले भी unmute हो जाता है, welcome. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, my name is Syed Saqib Khan. I have done my BSc Engineering back in 2015. Then I moved to UAE. Sir, UAE में मैं 2016 से इधर आया हुआ हूँ, तकरीबन 9 years मेरे हो गए। सर मैंने साइट इंजीनियर से शुरू किया था और अभी भी साइट इंजीनियर के जॉब पे रही हूँ। सर मैंने ये देखा कि मेरे दोस्त जो मुझसे जूनियर है 2020 में जो ग्रेजुएट हुए हैं 2022 में, वो लोग ने प्लानिंग इंजीनियरिंग सर सीख के अभी आजकल इतनी अच्छी पोजीशन में है सर। तो इस वजह से मैंने फिर सर तकरीबन 6-7 month से मैं अभी प्लानिंग में लगा हुआ। मैंने पीएमपी सर्टिफाइड भी हूँ, पीएमपी सर्टिफिकेट। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सर मेरा प्लानिंग में अभी अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल सर बिल्कुल अभी कुछ मालूम नहीं, इसलिए सर आपका क्लास मैंने जो है ना ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सर कि प्रैक्टिकली भी मैं अपने आप को स्ट्रांग कर सकता हूँ इस चीज में। मेरा नाम हसीब है और मैं चाइना से मैंने ग्रेजुएशन की है। आई हैव डिड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। सो मैं मुख्तलिफ रोल्स पर रहा हूँ, शायद आपके साथ भी, आप भी नशपा प्लांट में आपके साथ भी काम किया है, या अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो आई वाज एचएस इंजीनियर और देयर, सो आफ्टर दैट आई वेंट टू यूएई अगेन। आई वाज इन एचएससी डिपार्टमेंट विद CPECC. Okay, and now I moved to Iraq and I am a drilling engineer, but I want to learn this Primavera because I want to pursue my career also as a planning engineer. Bilal ji, assalam alaikum, मेरा नाम बिलाल असलम है और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है HVAC इंजीनियरिंग में। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 2019 में। 2 साल मैंने साइट पे काम किया और 2 साल मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस है। तो ऑफिस में जब मैं मूव आउट हुआ हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि प्राइमावेरा की काफ़ी ज़रूरत है। अगर मैं उसको सीख लेता हूँ तो मेरा करियर थोड़ा आगे फ्लरिश कर सकता हूँ मैं। साजिद बात कर रहा हूँ सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, सखर IBA से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी मैं एज ए MEP इंजीनियर कराची में काम कर रहा हूँ। मेरा 3 साल एक्सपीरियंस है MEP में। ठीक है, थैंक यू। नो, क्यों करना चाहते हो प्राइम मेरा P6? ये रीजन भी तो बताओ ना, क्या माइंड प्राइम? यस, प्राइमरी के बारे में पहले तो ऐसे सुना था कि मतलब दोस्तों से सुन रहे थे, सीनियर से सुन रहे थे, ये सिविल वाले ज्यादा करते हैं। लेकिन मैंने आपकी वीडियोस देखी, उससे पहले भी काफी जगहों पे मैंने दूसरे लोगों से भी सुना और वीडियोस मैंने देखी। प्राइमरी जो है प्लानिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, आपके करियर की ग्रोथ के लिए। तो देन आपकी वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे देखी। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज राशिद खान and I did civil engineering in 2021, and recently I am in Saudi Arabia from 6 months, and I start job as a junior civil engineer in Sandan company. And now I am a project engineer, but I want to start as a planning engineer. So that's why I it's need to learn Primavera and these things. Okay, thank you very much, Rashid. Field के अंदर आप काम कर रहे हैं राशिद, और फील्ड के अंदर क्या इस चीज की आपको जरूरत महसूस हुई या आपने ऐसे ही सोचा नहीं यार ये कर लेते हैं? नो सर, नाउ आई एम वर्किंग एट हेड ऑफिस विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टार्ट प्लानिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियरिंग, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग एट साइट एट समथिंग वेयर। ओके, अफाक आगे हैं। अब बाकी भी लोग अफाक की तरह जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, प्लीज गो अहेड। ज़ैन मुकीम, यस, अफाक, दोनों के नाम ले लीजिए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अफाक। My name is Afaq Ahmed and I have done chemical engineering in 2022. Okay. Yet I am not working and मैंने भी फाइवर पे काम करना शुरू किया हुआ है, तकरीबन 3-4 मंथ हो गए। मैंने अभी 3 से 4 ऑफर लिए। अभी UK मूव कर रहा हूँ, ऑफर लेटर आया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो प्राइमावेरा इसलिए सीख रहा हूँ कि स्किल भी और फाइवर पे काम भी कर सकूँ। Fireboat. Next, please, anybody who is quickly available to speak on activated mic. Thank you. Please go ahead. अपना इंट्रोडक्शन करवा दे जी, अगला कोई बंदा भी। अब्दुर्रहमान जी, अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मैं सर अब्दुर्रहमान इधर गल्फ में जॉब करता हूँ, गैस अरेबियन कॉन्ट्रैक्टर के साथ एज ए सीनियर पाइपिंग सुपरवाइजर। अभी मैं आपसे कांटेक्ट में इसलिए आया कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, यानी FSC डिपार्टमेंट से TMT डिपार्टमेंट में जो है ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए मुझे आपकी गाइड चाहिए थी कि उसके लिए मुझे ये P6 या इन एडिशन और भी जो भी कोई कोर्सेज वगैरह हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा गाइड कीजिए काइंडली, और उसका मेथड क्या है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। Thank you, Abdurrahman. I have Masters in Construction Management in 2021. Okay. Now I'm working in Saudi Arabia since last year. So I joined your classes because as well as Primavera, I have to move on for our opportunities for the next 5 years. I have a plan for the next 5 years for the in planning field. So that is why I joined you, because as far as Primavera, I have to grab the opportunities as well. Okay, thank you very much. So that is why I thank you, sir. Thank you very much. Next, please, jaldi se. Assalamualaikum, sir. Waalaikum salam, sir. My name is Asafur Rahman Khan. I done my civil engineering from UT Texla in 2023. Okay. I was moving to Saudi Arabia for job searching. One of my friend, and that he is your student, sir. He moved to Saudi Arabia. He told me I first learn your course that will help more in Saudi Arabia for job searching. Sir, myself Zain Mukim. I am basically industrial engineer by profession, having a 2 to 3 years of experience in textile sector. Okay. But now I want to pursue my career in project management as a project manager, so that's why I basically joined your course. So can you share your story a little bit, like why you want to learn this skill and why you did something you shared with me, if you are feasible with, comfortable with that? Yes sir, I am comfortable. Basically sir, जैसे आपको पता है हर बंदा ही पैसे की दौड़ में लगा हुआ है, हर बंदा कहता है बस किसी तरीके पैसा आ जाए, तो सबसे पहले तो वही इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करके अपनी फील्ड की जॉब की टेक्सटाइल सेक्टर में। उसके बाद हवा चली अमेजोन की, ई कॉमर्स की, उसके पीछे भाग गए, उधर पैसा कमाने के चक्कर में गए, लेकिन जो पैसा था वो भी गया। बाद में हवा चली रियल स्टेट की, रियल स्टेट में बहुत पैसा है, इस पे पीछे जाना चाहिए। रियल स्टेट में गए, उधर गए, लेकिन जो पैसा था उधर भी गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार इन हवाई रोजी के चक्कर में बेहतर है कि बंदे के पास कोई स्किल होनी चाहिए, ताकि बंदे का एक जोन सा ना किचन मनी चलता रहे उसके पास। तो आपने 16 इयर्स दिए हैं और गल्फ रीजन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंजीनियर्स के लिए, सैलरी भी अच्छी है। एंड आई सजेस्टेड यू के एज यू आर इंडस्ट्रियल इंजीनियर यू शुड लर्न ईपीसी प्लानिंग एंड शटडाउन, बिकॉज फिर आप शटडाउन आप कैरियर के अंदर फिट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ज़ैन मुकीम एंड शेयरिंग योर स्टोरी, एंड आई विल बी having some lesson learned out of this your talk for too many people out there, जिनके साथ ये बाद में भी शेयर किया जाएगा सेशन। चले जी नेक्स्ट, प्लीज अगर कोई है तो रेज योर हैंड अगर आपका अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। देयर आर माशाल्लाह 27 people in this session, so I'm going to start. This is engineer वकास अहमद, and इससे पहले एक दफा फिर पूछ लूँ, मुझे ना अजीब सा फील होता है, बंदा वापस कोई ऐसे ही गुस्सा होता है ना फिर कि मैं रह गया हूँ, so before starting it's very hard to understand. Okay ji, this is engineer Waqas Ahmed, your trainer for project planning control. I have 13 years of field experience and I started my job career from Gulf region as a job engineer. कहने को engineer, लेकिन मेरी जो एक position थी, क्योंकि मैं visit visa पे वहाँ पे गया था, और visit visa पे आपको पता है कि जब आपके 3 महीने गुजर जाते हैं फिर आपको कोई भी नौकरी मिले आप कहते हो ठीक है यार एटलीस्ट पाकिस्तान में जाकर ये बताने से बेहतर है कि मुझे नौकरी मिल गई है, ठीक है कि नहीं। तो दैट हैपन टू मी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड दिस थिंग फ्रॉम द सैलरी डिफरेंसेस कि यार मैं भी यूईटी से ग्रेजुएटेड हूँ एंड वन मोर गाय देयर फ्रॉम यूईटी हु इज गेटिंग सैलरी लाइक 3 times बेटर सैलरी देन माई सैलरी। सो दैट थिंग पुशिंग मी एट दैट टाइम लाइक यार मैं कर क्या रहा हूँ। अब ऐसी चीजें एक्चुअली अच्छी होती हैं जब आपको थोड़ा सा सोच आती है। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि भाई करना क्या चाहिए। अब तो हम पूरी जिंदगी ऐसे नहीं चल सकते, बहुत ज्यादा घुटन वाला काम है। आप इंजीनियरिंग करके टेक्नीशियन की सैलरी ले रहे हो, उसी तरह का काम कर रहे हो। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग थिंग्स। सर्चिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ वेन एवर वी आर गोइंग टू मेक सम बिजनेस समथिंग अबाउट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैन बता रहे थे कि हम पैसों की बात सुनकर उधर चल पड़े इधर चल पड़े, बट सर्च नहीं थी कि मेरे लिए क्या बेटर है, इसके मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। सो जो मैंने सर्च किया उस टाइम पे कि मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी कि मैं सबसे पहले देखूं कि एक ऐसा जॉब कैरियर, क्योंकि जब मैं गल्फ रीजन में था इवन दैट वाज ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो जॉब सिक्योरिटी मैटर्स अ लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाई सैलरी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी। You should have a good and secure job. The second priority is high salary, and the third priority is white collar job. और फिर फोर्थ में जी ऑयल एंड गैस का शशका हो तो लोग बात करना पसंद करते हैं आपके बारे में, यार फलां जो है ना देखो दुबई के अंदर जॉब कर रहा है। तो ये चीजें का मिक्स एंड मैच। सो द फर्स्ट थिंग आई फाउंड के प्लानिंग कंट्रोल, चाहे कोविड आ जाए चाहे ऑयल एंड गैस की प्राइसेस नीचे चली जाए, प्लानिंग कंट्रोल एक ऐसा स्किल अगर आप इसके अंदर ग्रिप है so company is not going to lose you, because the second guy company जिसको हायर करेगी that is very, क्योंकि ये skilled job career है, ऐसा नहीं है कि साइड इंजीनियर की तरह बस साइड पे खड़े रहना है डाटा लेना है, या जो काम इजीली दूसरा बंदा कर सके सीख सके उसको रिप्लेस किया जा सकता है आसानी से, बट द गाय हु इज टैकलिंग विद ऑल द कंपनी प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग कंट्रोल, प्रोग्रेस स्टेटस, बिजनेस मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिसीजन मेकिंग, ये वही जॉब कैरियर है ना, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिक्योर जॉब, एंड अल्टीमेटली यही चीज इसको बनाती है कि हाई सैलरी जॉब कैरियर। सो दैट वाज माय सर्च एट दैट टाइम, बट इट वाज नॉट इजी टू लर्न थिंग्स, क्योंकि ऑयल एंड गैस का थोड़ा सा मैं कल्चर आपको बता दूं, वहां पे 12 घंटे की जॉब होती है और उसके बाद आप ऐसे सोते हो आगे कि आपको होश नहीं होता। बट आउट ऑफ दैट बिजी शेड्यूल आई took some time like 2-hour 3-hour daily basis notes बनाने, गूगल से देखना, ब्लॉग पढ़ना। उस टाइम पे बैक इन 2011 इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, तो इतना ज्यादा नहीं था शोर शराबा कि ऑनलाइन ये चीज भी है, अब ज्यादा है, ठीक है, अब तो अवेयरनेस काफी सारी हो गई है। तो उस टाइम पे एक राइट मटेरियल तक पहुंचना, उसके लिए मुझे बहुत सारे यूनिवर्सिटी सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ी जो ऑलरेडी इसी जॉब कैरियर का डिफरेंट कंपनीज के अंदर हिस्सा थे। सो अल्टीमेटली आई मेड दैट हैपन कि एक बेसिक प्लानिंग इंजीनियर की मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई। मैंने उस बेस पे नौकरियों के लिए अप्लाई किया। आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी इन सऊदी अरेबिया। आई वाज गुड इन प्राइमरा P6 बिकॉज वो एक साल मुझे लगा कंटिन्यूस लर्निंग के अंदर। सो वट दैट मतलब उससे डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ। आई गॉट प्लानिंग इंजीनियर जॉब, दैट वाज इंजीनियरिंग जॉब कैरियर। आई वॉज पार्ट ऑफ गुड मीटिंग्स, जो क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, बड़ी अच्छी मीटिंग्स होती हैं, जो ऑब्वियसली प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू डील विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स, दैट हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो इन माई जॉब कैरियर। अब अल्टीमेटली आप लोगों ने इनरोल किया है तो थोड़ा सा मैं इसके मतलब बताता चलूँ जो चीज़ें मैंने अपने जॉब कैरियर से बताई, दैट मस्ट बी अ गुड लेसन लर्न फॉर यू पीपल।